दोस्तों, आज शनि के किचन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो जितने माताएं भैया हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोग ना भूलें। एक लाइक हमारे लिए आप लोग का बहुत महत्व रखता है। बगल में दोस्तों लाल घंटी है, आप लोग दबाना बिल्कुल ना भूलें उसको। तो आज हम चल रहे हैं यहाँ पे पोहे बनाने के लिए। तो एक दीदी का कमेंट आया था पोहा बनाने के लिए, तो आप लोग भी इसकी रेसिपी देख लीजिए कैसे हम बनाते हैं। पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें पचई आ गया है, जैसे देखते हैं नागपंचमी जिसको बोला जाता है, तो सबके घर में पुआ बनता है इस समय। तो सावन में दोस्तों जितने अक्सर करके सबके घर में पुआ हुआ पकवान मीठे चीज बनता है, शुभ माना जाता है इसको। तो यहाँ पर हम बनाने चल रहे हैं, तो आप लोग भी इसको देख लीजिए। तो एक बार देखिए यहाँ पर क्या क्या लेंगे। आप लोग से पहली बार बता दे रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि मोबाइल हमारा इसमें चार्ज नहीं है, एक पॉइंट चार्ज बस। तो देखिए पूरा रेसिपी आप लोग को वीडियो दिखा सकते हैं, पाते हैं कि नहीं इसका भिगोने का। तो यहाँ पर देख रहे हैं भिगोने, इसको लेने के लिए पुआ बनाने के लिए हमने मैदे लिया है, यहाँ पर पावर मैदे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे दो कटोरी आटा है तो एक कटोरी हमने चीनी लिए हैं। जैसे कम बेसी मीठे आप खाते हो तो उस तरह से आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा मीठा खाया जाता है, इसलिए हम देख रहे हैं आप बड़ी कटोरी लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं काजू बादाम काट कर रख लिए हैं, यहाँ पर काजू है। यहाँ पर गढ़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रख लिए हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर इलायची है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे आप जब पुआ बनाते हैं तो पुआ जैसे दोस्तों सूजी डाला जाता है कि पुआ हमारा बिल्कुल मुलायम बनता है। अब पुआ जैसे हमारा है चार पाँच दिन तक रहेगा, पुआ हमारा बिगड़ता भी नहीं है, बिल्कुल मुलायम रहता है। बिना दांत के भी लोग खा लेते हैं पुआ को। अब बहुत जल्दी हमारा पुआ जैसे रहता है कि फूल जाता है, जैसे देखते हैं तीन चार घंटे सब लोग रखते हैं पुआ को भिगो कर। तो दोस्तों हम ऐसे नहीं करते हैं, बस हम एक घंटे बाद हम पुआ को बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने भिगोने के लिए ले लिए हैं, तब सभी चीज़ों को हम इस पर डालेंगे, उसके बाद हम पुआ को बनाकर आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके बाद हम दूध लिए हैं। तो दोस्तों आप पानी में भी पुआ को बना सकते हैं, कि दूध में पुआ जो बनता है बहुत टेस्टी लगता है। और सारे पुए की रेसिपी हम बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, आटे के भी बनाए हैं। तो मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे आज हम मैदे का कमेंट आया था तो मैदे का हम बनाकर दिखाने चल रहे हैं, क्योंकि आटे की रेसिपी हम दिखा चुके हैं पुआ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक घंटे हो गया है यहाँ पे भिगोने के, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। तो अच्छे से इसको हम ढक कर रख दिए थे। तो दोस्तों जैसे देखे आप लोग को इसको घोलते समय इसका घोल बनाते समय नहीं दिखा पाए, क्योंकि मोबाइल एकदम स्विच ऑफ हो गया दोस्तों। इसके लिए हम छवा जाते हैं, तो पहले इसके में हम क्या किया कि दूध डाले हैं, दूध डालने के बाद से चीनी डालनी है। चीनी जो हमारा गल गया है दोस्तों, तो इसमें हम मैदे डाले हैं और सूजी डाले हैं। सूजी और मैदे डालते हैं, इसमें हम अच्छे से घोल इसका बनाकर एक घंटे के लिए ढक दिए हैं। तो आप लोग को दोस्तों दिखा दे रहे हैं कैसा है इस समय ये। इस तरह देख रहे हैं, इस तरह से हुआ है, इसमें थोड़ी सी दूध और हम डालेंगे। अब इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि जैसे इस तरह से फेंट लेंगे अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पहले आप चीनी या दूध को डालकर इसमें अच्छे से घोल को तैयार कर लीजिए, उसके बाद मैदे या सूजी को इसमें आप डाल दीजिए। तो दोस्तों इसको टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि गढ़ी को हमने काट कर इस तरह से रख लिया, डाल दे रहे हैं। यहाँ पे काजू छोटे टुकड़े में काटे हैं, इसको भी डाल दे रहे हैं। यहाँ पे इलायची, इलायची डालने से दोस्तों पुआ का जो स्वाद है बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी डाल दिए हैं। बेकिंग पाउडर कोई दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि जब एक घंटे हम रख देते हैं इसको तो पुआ हमारा काफ़ी अच्छा फूलता है और बहुत अच्छा बनता भी है। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर हम थोड़ी सी डाल दिए हैं। तब इसमें थोड़ी थोड़ी दूध डालकर इसको अच्छे से घोल को हम कर ले रहे हैं, करिया अच्छे से काफ़ी गर्म हो चुका है। तेल को हम अच्छे से, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तेल को हम ठंडे करेंगे, फिर उसके बाद तवा पुआ इसमें बनाएंगे। दोस्तों जैसे देखते हैं कि ज़्यादा लोग के घर में मैदा नहीं रहता था, कमेंट में आता है कि मैदा नहीं है तो कैसे पुआ को बनाएं। तो दोस्तों आटे के पुआ हमारी रेसिपी में आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम बनाएं पहले। तो दोस्तों मैदे का कमेंट आया था तो मैदे का पुआ हम बना रहे हैं, इसमें देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा से घोल यहाँ पर देख रहे हैं तैयार हो रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि घोल को आप जितने अच्छे से फेंटते हैं, जैसे देखते हैं कि हम लोग फुलौड़ी जब बनाते हैं तो फुलौड़ी को हम बेसन को बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, तो भाई हमारा जो पुआ बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। ये नहीं है कि हम इसको चार पाँच घंटे तक पुआ को भिगो के रख देंगे और उसके बाद फेंटेंगे नहीं, तो पुआ हमारा बहुत अच्छा से बन जाएगा। दोस्तों इसको जितने फेंटा जाता है उतने जल्दी, आप तुरंत भी बनाना चाहते हैं तो इसको आधे घंटे तक जैसे रहता है तो इसको रख दीजिए, और आधे घंटे के बाद दोस्तों इसको 20-15 मिनट तक इसको फेंटते रहिए आप रुक के। तो पुआ ये जैसे रहता है काफ़ी हमारा बैठता नहीं है, बहुत अच्छा बनता है इससे। दोस्तों अभी जैसे रहता है कि दूध में जब पुआ बनता है तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, दूध वाला का पुआ का। यहाँ पे दूध हमने यहाँ पे जैसे देखते हैं कि आधे लीटर हमने दूध लिए थे, तो आधे लीटर दूध में दोस्तों थोड़ी सी दूध हमारा बच गया था, तो फिर हम बाद में इसमें डाल लिए हैं। अब इस तरह से देख रहे हैं घोल हमारा है,
आप लोग को दिखा दे रहे हैं भाई, इस तरह से चाहिए घोल को। यहाँ पे देख रहे हैं तेल को, मैं फिर चेक कर ले रहा है तेल गर्म है कि नहीं। अभी यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं तेल हमारा काफी अच्छा से गर्म हो चुका है, तो अब तेल को हम थोड़ी सी ठंडा करेंगे पहले, उसके बाद इसको बनाएंगे। नहीं तो गर्म तेल में आप डालेंगे तो नीचे से जल जाएगा, ऊपर से कच्चा, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो दोस्तों पुआ के सेप हम बहुत छोटे देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों देख रहे हैं कि काफी अच्छा पुआ हमारा यहाँ पे खुल रहा है, आप देख सकते हैं एक बार। आप दोस्तों जितने इसको फेटेंगे उतने अच्छे आपका बनेगा पुआ। तो हम आप लोग को बड़े भी साइज में बना के दिखाएंगे, छोटे में भी दिखाएंगे। जैसे जैसे यदि कोई भी अच्छा लगता है, छोटा सा तो अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए छोटा सा जिसका हम बनाए हैं यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। पुआ से पुआ थोड़ा सा ज्यादा बड़े बनाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। गैस यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल मीडियम हम किए हैं इस समय। काफी अच्छा से देख रहे हैं खुल रहा है यहाँ पर। आप दोस्तों एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी बना है ये, काफी अच्छा पुआ फूल रहा है, बहुत अच्छा से पुआ बन गया यहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरह से सारे पुआ को हम बना ले रहे हैं, तो एक बार इस तरह से जरूर आप लोग बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं काफी अच्छा से पुआ बनकर हमारा तैयार है। तो आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोग ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ इसी तरह आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।